जेट ब्लैक प्रीमियम अगरबत्ती, थ्री इन वन काम करती है और दाम भी कम है, 144 है ओनली। जेट प्रीमियम अगरबत्ती तो देखा, MS धोनी का पिक्चर लगा हुआ है तो सोचा इस बार ले लेती हूँ क्या काम करती है। और मुझे अगरबत्ती की बहुत पसंद है, अगरबत्ती लगाना सुबह शाम बहुत ही पसंद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंडा करी। अच्छा, अंडा करी तो सब लोग बनाती है, तो मेरी जो स्टाइल है, मैंने जो तरकीब आजमाई है, आप लोग शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे। हर कोई तो अंडा करी बनाती है, हर कोई अंडा करी की अलग अलग स्टाइल में बनाती है। मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ और रेस्टोरेंट जैसे फ्लेवर लाने के लिए मैं किस तरकीब आजमाती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने अंडे को लाल मिर्च पाउडर्स के साथ मिक्स करके फ्राई कर लिया, हल्दी के साथ नहीं, हल्दी की कोई टेस्ट होता नहीं, जस्ट वो कलर ही देता है। लाल मिर्च पाउडर के साथ फ्राई करके उठा के रख दिया था। फिर मैंने ऑयल शामिल किया, यहाँ मैंने सरसों का ऑयल नहीं शामिल किया क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट जैसे फ्लेवर चाहिए, तो मैंने रिफाइंड ऑयल जो होता है, आप कोई भी ब्रांड की रिफाइंड ऑयल डाल दो, थोड़ी सी ज़्यादा डाल देना है। डाल के मैंने टमाटर और प्याज एक साथ ही डाल दिया और अभी अदरक हाफ टी स्पून, लहसुन 1 टीस्पून डाल दिया। और इकट्ठा मैंने इसीलिए फ्राई कर रही हूँ, आजकल टमाटर, अच्छा टमाटर की अच्छी फ्लेवर लाने के लिए आपको प्याज और टमाटर एक साथ, कोई कोई होता है ना प्याज की पेस्ट डाल देता है, कच्चे प्याज की पेस्ट डाल दो, वो कलर भी ठीक नहीं आएंगे और असली जो स्वाद है वो भी नहीं आती है। तो मैंने जब भी मैंने किस तरह कोई स्पेशल करी बनाती हूँ तब भी मैंने टमाटर लहसुन अदरक प्याज को एक कट्ठा ही फ्राई कर लेती हूँ पहले। अच्छा देखिए, आजकल का सीजनेबल टमाटर है ना, इसलिए अच्छी से तुरंत ही गल गई है, कि आधी से ज़्यादा गल ही गई। तो रेस्टोरेंट की जैसा आपको कह रही थी ना मैंने, रेस्टोरेंट जैसे फ्लेवर लाने के लिए आपको 2-3 तरकीब आजमाना पड़ेगा। पहले तो प्याज टमाटर इकट्ठा लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेना है और उसके बाद उसे पेस्ट बनाना है। पेस्ट तो आप कच्चा भी बना सकती हो, लेकिन कच्चा बनाओ उसके बाद भूनो, वो फ्लेवर कभी भी नहीं आएंगे, मैं गारंटी से कहती हूँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन उस तरफ फ्लेवर नहीं आती है। अच्छा, यह मैंने एक तरकीब आजमाया, दूध डाल दिया, तुरंत ही गर्मा गर्म जो फ्राई हो गया था टमाटर प्याज, उसमें मैंने दूध डाल दिया था, ठंडा दूध डाल दिया था। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसलिए ठंडे दूध को डाल दिया। ठंडे दूध डालने के लिए और एक वजह है, जब भी आप किसी कुकिंग में गर्मा गर्म दूध डालें ना, उसकी फ्लेवर से ज़्यादा आप ठंडा दूध डाल दो। तो ठंडा दूध डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था, फिर से मैंने रिफाइंड ऑयल को शामिल करके पेस्ट को थोड़ी सी भून लिया 5 मिनट तक, तो अच्छे से भुनाई हो गई है। अभी मैंने मसाला को मिला, मसाला में आप जो कुछ भी मिला सकती, आपकी मर्जी, वो आप मिलाओ, मैंने ज़्यादा मसाला कभी मिलाते नहीं। तो मैंने मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नहीं जीरा पाउडर मिक्स किया मैंने, इसमें मैंने धनिया पाउडर नहीं शामिल किया। ये भी एक तरकीब है, बहुत सारे खाने में आप धनिया पाउडर को ना शामिल करो, वो अच्छे फ्लेवर देता है। उसके ज़्यादा आप तुरंत एक थोड़ी सी ज़्यादा करके जीरा पाउडर को डाल दो। अच्छा, यहाँ मैंने जब भी मेरे मसाला के साथ पेस्ट को भुनाई हो गई है, तभी मैंने डाल दिया 30-25 किशमिश को। अभी काजू किशमिश और पेस्ट एक साथ भुनाई किया, उसके बाद अंडे को मैंने इस तरह काट लगाई ताकि अंदर तक जो मसाला है वो भी पहुंच पाए। कभी कभी होता है ना, अंडे के अंदर मसाला जाता ही नहीं, तो वो अंडे खाने में इतना टेस्टी नहीं होता है। तो मैंने अंडे को इस तरह काट लगाई, ना वो पूरी तरह काट गई है ना वो रह गई है। तो एक चम्मच की सहायता से आप
सारे पेस्ट को अंडे के ऊपर लगा दो अच्छे से, और गैस को थोड़ी सी कम करके ढक्कन लगा के 10 मिनट पकाना है आपको। इस 10 मिनट में अंडे मसाले पेस्ट के साथ अच्छे से मिलजुल हो जाएंगे। उसके बाद आपको देखिए मैंने गैस को कम कर दिया था, अब ये अच्छे से भुनाई हो गई है, ऑयल थोड़ी थोड़ी करके सेपरेट हो गई है। अच्छा यहाँ मैंने जो रेड चिली है वो उसको मैंने सांभर के साथ क्यों शामिल नहीं किया, क्योंकि सांभर देने के साथ हर किसी सब्जी में आप शामिल ना करो तो बाद में आप शामिल कर देना, थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाए। किसी को अगर मिर्ची की ज़रूरत है वो थोड़ी सी हल्का प्रेस कर लेना, वो अच्छा टेस्ट होता है। इसके फ्राई नहीं करना है आपको हर कोई सब्जी में, किसी किसी सब्जी में फ्राई कर डालो वो अच्छे होता है। तो मेरी जो करी है अंडा करी, स्पेशल अंडा करी, ये बन के तैयार हो गई है। और एंड में आप हो सके तो कुछ 1 टीस्पून बटर मिला दो, नहीं तो 1 टीस्पून घी मिला दो। मैंने नहीं मिलाया क्योंकि हम घर वाले खाएंगे, इतना ऑयली हमेशा ठीक नहीं होंगे। आप लोगों को कैसे लगा आज की रेसिपी कमेंट ज़रूर करके बताइए। अच्छा अभी ले रही हूँ विदा, फिर से मिलूँगी किसी नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए किसी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग हेल्दी रहिए, ठीक रहिए, दुआओं में मुझे भी याद रखना, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।